हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि लोकल वेरिएबल्स आपके केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स सभी फंक्शंस को एक्सेसिबल होते हैं। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्कोप रूल्स के बारे में जानेंगे। स्कोप का मतलब होता है एरिया अंडर विच वेरिएबल डिक्लेरेशन हैज़ एन इफेक्ट, मतलब कि आप किस एरिया में उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, उसको हम कहते हैं स्कोप। सी में बेसिकली चार टाइप के स्कोप होते हैं, फाइल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड प्रोटोटाइप स्कोप। जो आपका फाइल स्कोप होता है, बेसिकली इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके सभी फंक्शंस को विजिबल है, जैसे आपके हो गए ग्लोबल वेरिएबल्स। ब्लॉक स्कोप का मतलब है कि वो केवल आपके ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, या उसके अंदर जो आपने इनर ब्लॉक डिफाइन किया है उसके अंदर एक्सेसिबल है। सी में ब्लॉक क्या होता है, जो भी स्टार्ट और एंड ब्रैकेट्स के बीच में होता है ये एक ब्लॉक होता है। और इसके अंदर इनर ब्लॉक का क्या मतलब है, इसके अंदर मैं एक और ब्लॉक डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे। तो इसके अंदर जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो इस ब्लॉक और इसके इनर ब्लॉक में ही एक्सेसिबल होगा, जैसे आपके लोकल वेरिएबल्स। फंक्शन स्कोप आपका गो टू और उसके लेबल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आपके दोनों स्टेटमेंट गो टू और लेबल दोनों सेम फंक्शन के अंदर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आपकी गो टू एक में लिख दे और उसका लेबल जो है वो किसी दूसरे फंक्शन में डिफाइन कर दे, दोनों आपके एक ही फंक्शन के अंदर होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। और जो लास्ट प्रोटोटाइप स्कोप है, ये फंक्शन के प्रोटोटाइप से रिलेटेड है। बेसिकली हमारे फंक्शन में क्या पार्ट होते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप होता है और उसकी डेफिनेशन होता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हम क्या डिक्लेयर करते हैं कि हम किस किस टाइप के वेरिएबल्स लेंगे, तो उनका स्कोप केवल प्रोटोटाइप तक ही लिमिटेड होता है, उसमें फंक्शन की डेफिनेशन भी नहीं आती है। इन सब स्कोप को हम VS कोड में एक प्रोग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ग्लोबल वेरिएबल x लिया है जिसकी मैंने इनिशियल वैल्यू 10 दे दी है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो आपके होते हैं वो हर फंक्शन में एक्सेसिबल होते हैं। तो ये किस टाइप का स्कोप हो गया, आपका फाइल स्कोप। एक्स का मेरा क्या स्कोप है, फाइल स्कोप है। उसके बाद हमने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एफ नाम का फंक्शन लिया है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है और एक वेरिएबल लेता है इंट आई नाम का। तो ये जो आई वेरिएबल है इसका स्कोप कितना है, केवल इतने पार्ट में, केवल इतने पार्ट में ही ये विजिबल है, इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप स्कोप। फिर मैंने मेन के अंदर एक लोकल वेरिएबल लिया है इंट वाई इक्वल टू 20। तो जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं उसका स्कोप इस ब्लॉक में स्टार्ट से लेके एंड यहाँ तक रहेगा, तो इसका स्कोप क्या हो गया, ब्लॉक स्कोप। इसी तरह मैंने इसके अंदर क्या किया है, एक इनर ब्लॉक डिफाइन किया है। कोई भी ब्लॉक हम सी में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड ब्रेक लगा के, इसके बीच में जो भी पार्ट होगा वो एक ब्लॉक कहलाएगा। तो मैंने एक इनर ब्लॉक डिफाइन किया है, इसमें मैंने एक वेरिएबल जेड लिया है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ब्लॉक स्कोप हो गया। फिर मैंने जेड को प्रिंट किया है, फिर इसके अंदर वाई को प्रिंट किया है, क्योंकि मैं वाई को उस ब्लॉक और उसके सभी इनर ब्लॉक में एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये स्टेटमेंट मेरी वैलिड है। फिर मैंने क्या किया है, एक गो टू स्टेटमेंट दिखाई है। गो टू स्टेटमेंट और उसके लेबल में हमने क्या देखा था कि ये फंक्शन स्कोप होता है, कि मतलब हमारे गो टू और लेबल दोनों सेम ही फंक्शन में होने चाहिए। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, इन्हें सेम फंक्शन में लिख दिया है। इस प्रोग्राम के बाद हम क्या करेंगे, लेबल को एफ फंक्शन के अंदर डाल के देखेंगे कि वो वर्क करता है या नहीं करता। फिर मैंने आउटर ब्लॉक में वाई को प्रिंट कराया है और एक मेरी फंक्शन की कॉल की है, और लास्ट में मैंने फंक्शन की मेरे डेफिनेशन दे दिए। तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट क्या आया, इनर ब्लॉक से जेड प्रिंट हुआ। मेरा यहाँ पर जेड की वैल्यू 30 थी और यहाँ से मैंने जेड प्रिंट किया तो ये मेरा 30 आ गया। फिर मेरा वाई की वैल्यू प्रिंट हुई इसी इनर ब्लॉक से, और वाई मेरा क्या था, यहाँ पर वाई 20, तो यहाँ से ये 20 आ गया। फिर उसके बाद मेरा क्या था, गो टू लेबल। गो टू लेबल से क्या होगा, ये कोड मेरा सीधा यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर वाई की वैल्यू दोबारा प्रिंट किया जो कि फिर से 20 आ जाएगी। फिर मैंने एक एफ को कॉल किया है और एफ के अंदर मैंने क्या किया है, एक्स को प्रिंट किया है। एक्स को मैंने यहाँ पर क्या दी थी, ग्लोबल वेरिएबल था और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, 10। तो यहाँ से ये 10 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये हमारे फाइल स्कोप, प्रोटोटाइप स्कोप, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप होते हैं। अभी फंक्शन स्कोप के लिए हम क्या करेंगे, इस लेबल को यहाँ से मूव करके मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, तो मेरा एरर आना चाहिए क्योंकि मेरे गो टू और लेबल की डेफिनेशन दोनों सेम फंक्शन में होनी चाहिए। मैंने लेबल को एफ में कर दिया है और अब मैं इसको अगर कंपाइल करूँगा तो मेरा एरर आना चाहिए। तो मेरा एरर आ गया। एरर क्या आया, लेबल यूज्ड बट नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लेबल और गो टू को अलग अलग फंक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। तो आई होप कि आपको सी में सभी चार तरह के स्कोप क्लियर हो गए होंगे, फाइल, ब्लॉक, प्रोटोटाइप और फंक्शन। थैंक यू गाइज़।